गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, अभी हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 4, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो गाइस, ये है क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। और आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आप तक अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग मुझसे नोट्स ले सकते हो, या फिर यहाँ पे, या फिर और कहीं पर भी। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा वीडियो आराम से देखो। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट, अब तक जैसे नोट्स सुबह करते थे उससे भी बेस्ट नोट्स मैंने बनाए हैं। सो वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही बेस्ट वीडियो है। इसके पहले की वीडियोज गाइज पार्ट नंबर 1 एंड 2 एटलीस्ट जरूर देख के आना, देन उसके बाद पार्ट नंबर 3 दिखोगे चलेगा। बिकॉज पार्ट नंबर 1 एंड 2 ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड वाला थोड़ा सा चलेगा, नहीं दिखोगे, बट पार्ट नंबर 4 फिर उसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आज का है। 3 वाला चलेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा टॉपिक्स ऐसे हैं कि आ भी सकते, एग्जाम में नहीं भी आ सकते, ऐसा कुछ नहीं उसमें। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते गाइस। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग आपका टॉपिक है, तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके से, देखो ऐसा कलर्ड नोट्स अच्छे से बनाया आप लोगों के लिए, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को याद रख पाओ। ठीक है, तो गाइस देखो, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये कैसे होता है पूरा मैकेनिज्म हमने इसके पहले ऑलरेडी सीख लिया है। ठीक है, सो गाइज आप लोग को पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारे बॉडी में ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी होता है, सो वो सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम की हेल्प से होता है, मतलब ब्रेन वाला सिस्टम, जहाँ पे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी ANS, इन तीनों की हेल्प से ही अपने बॉडी में कोई भी चीज़ होती है। चाहे आप कुछ भी करो अपनी बॉडी के साथ, कुछ भी करो या करवाओ या कुछ भी करो यार, ईच एंड एवरीथिंग आपके बॉडी में कोई अंदर की फंक्शनैलिटी भी हो रही है, वो भी आपका सेंट्रल या फिर कोई भी नर्वस सिस्टम डिपेंड करता है, उसी की वजह से होता है। तो अगर गाइस आप रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपकी बॉडी में अंदर के लंग्स का साइज बढ़ता है, छोटा होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर रिलैक्स होती हैं। सी, तो ये सारी चीजें होती कैसे हैं, ये सब का सब ब्रेन का कमाल है। विदाउट ब्रेन कुछ भी नहीं हो सकता, और खुद ब्रेन भी वही ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, फिर ब्रेन वर्क करता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा दिमाग चल रहा है, तुम्हारा भी दिमाग चल रहा है, तुम फोन चला रहे हो, तुम सर चीजें नोट डाउन कर रहे हो, ये सब कुछ ब्रेन का कमाल है। तो गाइस जो ब्रीदिंग है उसका रेगुलेशन क्या है, मतलब कैसे ब्रीदिंग होती है, कैसे ब्रीदिंग रेगुलेट होती है, मतलब सांस आने से लेकर के जाने तक ब्रेन का काम क्या है, कैसे सांस आती है यानी ऑक्सीजन लेते हो, फिर वो अंदर अपना जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, जब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सारी चीजें हमने सीख ली है। बट इसका रेगुलेशन कौन करता है, कैसे होता है, ये समझना है। तो गाइस रेस्पिरेशन जो है ये 2 डुअल कंट्रोल के ऊपर डिपेंड है, पहला तो नर्वस कंट्रोल, दूसरा केमिकल कंट्रोल। ठीक है, और हमारी बॉडी में अगर नर्वस कंट्रोल चले ना तो बहुत ही बेस्ट है, हमारी खुद की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। बट अगर यार हमारी बॉडी में केमिकल कंट्रोल होता तो प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आपने पता भी होगा बहुत सारी फीलिंग्स वगैरह भी केमिकली होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट नर्वस सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, नर्वस सिस्टम आपको हमेशा अच्छी राह ही दिखाता है। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा ही होता है, केमिकल चेंज भी बहुत अच्छा है, केमिकल चेंज इन द सेंस ऑफ कि आप हार्मोनल चेंज, जो आपके बॉडी में हार्मोन्स की वजह से चेंज होता हो, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ह्यूमन एडल्ट्स होते हैं नॉर्मली, जैसे कि जो 30-25 साल तक के लोग होते हैं या 20-25 साल के लोग, वो दिन में 12 बार, मतलब दिन में कह सकता हूँ हर मिनट में 12 बार ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग का मतलब क्या, एक बार ऑक्सीजन कंप्लीटली ले लिया और फिर कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर छोड़ दिया, ये होता है सिंगल ब्रीथिंग, ये एक ब्रीथिंग है। मतलब जो आप एक बार सांस ऐसा लेते हो ना और फिर छोड़ते हो, वो आपका पूरा 1 ब्रीदिंग होता है। तो एक मिनट में आप नॉर्मली 12 या 13 या 11 इसके बीच में आप ब्रीदिंग करते हो, बट जो न्यू बॉर्न बेबी होती है वो देखो 44 से 45 बार ब्रीदिंग करती है एक मिनट में। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत फटाफट सांस लेते हैं, आपने देखा भी होगा फटाफट सांस लेते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन उस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलपिंग मोड में होता है। जैसे जैसे गाइज हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत ही कम डेवलपिंग मोड में होता है, और हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होना बंद कर देता है, और जो हमने सीखा उसी को हम एनालाइज करते हैं। मतलब अगर आप एक बार 20 साल के हो गए तो उसके बाद आप सीखना कम कर देते हो, ऐसा माना जाता है, ऐसा है कुछ नहीं, बट आप वो तो ह्यूमन बींग्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा साइंस लोग कहते हैं कि मतलब अगर आपका जो ब्रेन है वो 20 के बाद ज़्यादा डेवलप होना बंद हो जाता है, और जो आपने सीख
सीखा है उसी के ऊपर आप एनालाइज करते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो जो ब्रीथिंग है गाइज ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं चाहूँ कि मैं सांस ना लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है, मैं सांस लूंगा ही लूंगा। ये एक आपका मतलब वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री दो तरीके की चीजें होती हैं, आपको याद रखना है गाइज। ये प्रॉपर रेट रहे, मतलब रेट मतलब क्या होता है कि 15 ब्रीथिंग या फिर 20 ब्रीथिंग या फिर 44, 12 कितनी भी जो हमारे बॉडी में ब्रीथिंग हो रही है पर मिनट, इसका रेट जो होने का समय है, जो टाइम है, ये परफेक्ट स्टडी बना रहे। ये कौन इसके ऊपर मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूरॉन्स के ऊपर। न्यूरॉन्स क्या करते हैं पता है ना आपको, हमारे बॉडी में जो इंपल्स होता है, इंपल्स यानी सिग्नल, जैसे कि मेरे हाथ कहीं जल गया तो मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा हाथ जल रहा है, तो मैं फटाक से उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हटा लेता हूँ, तो वो न्यूरॉन्स की वजह से होता है। वो न्यूरॉन्स ही हमारे बॉडी में जो इंपल्सेस होते हैं, सिग्नल होते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं हमारे हाथों तक, हम फटाक से हाथ हटाते हैं। तो वही न्यूरॉन्स ही हमारे बॉडी में नोज को, और हमारे बॉडी में फेफड़े होते हैं, एल्वियोलस होता है, सब हमने देख लिया है, कैपिलरी होती है, इन सभी को ये क्या करता है, न्यूरॉन्स ही सिग्नल भेजता है। और जिससे कि क्या पता चले, अपना जो मेडुला होता है, मैं सब दिखाऊंगा अभी आपको थोड़े टाइम बाद, पॉन्स क्या होता है, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है, एंड न्यूरॉन्स। गाइस यहां पे कोई भी निगेटिविटी मतलब ना, पॉन्स एक जस्ट मतलब आपका ब्रेन का पार्ट है, आई विल शो यू, डोंट वरी, जस्ट मेडुला के पास होता है ये, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिसेप्ट करते हैं किसको, सिग्नल को, ब्रेन से लेकर के हाथों तक और हाथों से लेकर ब्रेन तक लेके जाते हैं, और फिर हमारा ब्रेन उस पर वर्क करता है, फिर हम फटाक से एक्शन लेते हैं। तो गाइज जिस पोजीशन से, ब्रेन के जिस पोजीशन से अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। और यही रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में ब्रीदिंग के रेट को और डेप्थ को, कितनी लंबी गहरी सांस लेंगे हम, अगर हम मर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, और कितना फटाफट सांस लेंगे, वो भी हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करने वाला काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर करता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, ये ब्रेन में होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसके 3-4 टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। सो ये ब्रेन में होता है और ये कंट्रोल किया जाता है बाय द मेडुला, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन ही कंट्रोल करता है, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा क्लासिफिकेशन तो नहीं किया है, इसीलिए मैंने आपको क्लासिफाई करके दे दिया है कि रेस्पिरेटरी जो सेंटर है ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है इंस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि रेगुलेट करता है सांस लेने की प्रोसेस को, और दूसरा होता है इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी, जो कि मतलब एक टाइम पे जब हम सांस ले रहे होते हैं और उसी टाइम पे हम छोड़ भी रहे होते हैं तो ये कंडीशन वर्क करती है। और दूसरा होता है प्राइमरली लिमिट्स एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन, मतलब कि जो जस्ट निमोटैक्सिक सेंटर इसे कहा जाता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। सो गाइज जो आपका इंस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपके डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, डॉर्सल मतलब पीछे बैक साइड माना जाता है, बैक साइड, डॉर्सल मतलब होता है बैक साइड, ठीक है। और वेंट्रो लैटरल ये क्या होता है जान लो, वेंट्रो मतलब फ्रंट में और लैटरल मतलब साइड में, मतलब फ्रंट के साइड में। जैसे कि देखो हमारा जो हाथ होता है, हाथ इस आगे वाला शोल्डर, वो आगे वाला शोल्डर कहाँ होता है, फ्रंट के और लैटरल में, मतलब साइड में और फ्रंट में, ऐसा हम कहते हैं उसे वेंट्रो लैटरल, ठीक है। और जो पीछे होता है उसे डॉर्सल कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर मतलब कि वो जस्ट मिडल में या फिर और कहीं भी होगा, मैं उसकी लोकेशन को दिखाता हूँ, ठीक है, आपको समझ जाएगा, ओके। तो जस्ट ये रेस्पिरेटरी सेंटर का पूरा लोकेशन है बॉडी से, तीनों पॉइंट्स मैंने अच्छे से लिख के रख दिया, आपको इसी को याद करना है, ठीक है। चलो अभी यहां पे दिखाता हूं आपको कैसे क्या चीजें होती हैं। देखो गाइस, मान लो आप इंस्पिरेशन कर रहे हो, इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का आना, मतलब आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे जो अपना लंग्स होता है, लंग्स वो बहुत ज्यादा एक्सपांड होता है, क्या होता है, अपना लंग्स बहुत ज्यादा एक्सपांड होता है, ठीक है। तो वो हम उसे कह सकते हैं कि ये अपना एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट म्हणजे काय, कि क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये कि क्रिटिकल पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा अपना लंग्स एक्सपांड होता है, यानी कि स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच अपना। तो ये स्ट्रेच कैसे होता है, हमारी मसल्स कैसे स्ट्रेच होती हैं, विदाउट बॉडी में किसी भी ऑर्डर के कुछ नहीं होता है। तो अपना ब्रेन के पास, ब्रेन अपना रिसेप्टर्स को भेजता है, रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स में, फेफड़ों की मसल्स होती हैं, उन मसल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर को अपना जो बॉडी है, विद द हेल्प ऑफ वेगस नर्व, वेगस एक नर्व्स होती है जो ब्रेन से निकलती है, ये वेगस नर्व्स जो अपना स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं उन तक सिग्नल भेजता है कि सांस आई है और तुम्हें जितने भी फेफड़ों के जो भी आपके मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेच करो, ठीक है। तो ये ऐसा इस तरीके से गाइस यहाँ पे इंपल्सेस क्या करते हैं, उसे स्ट्रेच करते हैं। स्टिमुलेट करना मतलब इंथुजियास्टिक, यानी कि जस्ट मतलब एक स्टिमुलेट मतलब जस्ट स्टार्ट करना, मतलब जस्ट रेडी, गेटिंग रेडी, ऐसा स्टिमुलेट
मतलब जैसे आपको कोई मोटिवेशन देता है तो आप कैसे स्टिमुलेट हो जाती हो, समझा, उस स्टिमुलेटिंग को, स्टिमुलेट वर्ड को फील करो। हाँ, जैसे किसी ने आपको मोटिवेट किया तो आप कैसे एकदम रेडी होते हो, हाँ आप तो कर दिखाऊंगा, आप पहाड़ तोड़ूंगा, और आपके मन में ऐसा बोलने को आ जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, दशरथ मांझी बन जाते हो तुम सबके सब, ठीक है। तो ऐसा स्टिमुलेशन होता है। तो वैसे ही अपनी जो नब्स होती हैं, ये नब्स, वेगस नब्स क्या करती है, सिग्नल को भेजती है टू द स्ट्रेच रिसेप्टर तक। स्ट्रेच रिसेप्टर उस इंपल्स को लेते हैं जो कि अपने फेफड़ों में यानी कि लंग्स में प्रेजेंट होती है मसल्स, और जैसे ही ये कब आता है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं, तो हमारा लंग्स क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सिमिलरली जब हम एक्सपिरेटरी करते हैं तो एक्सपिरेटरी सेंटर में भी फिर ऐसे ही हमारा नर्व्स ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। और फिर जब एक्सपिरेशन हम करते हैं तो फिर से वही इनहिबिटरी, मतलब जो आपका इमिटरी मतलब इनहिबिटरी इंपल्सेस होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं टू द सेंटर, मतलब इंस्पिरेटरी सेंटर के पास, और वहां से हमारा जो लंग्स होता है वो फिर से पिचक जाता है। तो इस तरीके से गाइस पूरा प्रोसेस चलता है, यही प्रोसेस बार बार होते रहता है। जितने बार हम सांस लेते हैं, अब तो हमारे फिर बॉडी को आदत पड़ जाती है तो वो हमको पता ही नहीं चलता कि कब ऐसा होता है, ठीक है। देखो गाइस, ये अपना प्यारा सा ब्रेन, सभी के पास इतना ही बड़ा ब्रेन होता है, कोई लगाता है कोई यूज नहीं करता इसका। और गाइस आपको बता दूं कि आप लोग इसके अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो कि मैं क्या बताऊं, आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हो यार, मतलब मैं क्या बताऊं, आप बिलीव भी नहीं करोगे, बहुत ज्यादा। मैंने ऐसा सुना है, मे भी सही होगा कि नहीं होगा, मैंने ऐसा सुना है गाइस कि आप इसके अंदर इतने MB के, इतने GB के गाने डाउनलोड कर सकते हो कि अगर आप एक बार उस गाने को चला दो तो बिलियन ईयर्स तक चल सकते हैं वो गाने, बिलियन ईयर्स तक गाने चल सकते हैं। और ये अभी तक अप्रोक्सीमेशन है ब्रेन का, मतलब जरूरी नहीं कि इतना ही होगा, इससे भी ज्यादा हो सकता है, मतलब ये अभी तक आपका अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर जिसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं वो होता है, देखो पॉन्स, पॉन्स ये रहा और ये मेडुला, ठीक है, पॉन्स मींस एक जस्ट अपने ब्रेन का एक मतलब ऑर्गन है, देखो यहाँ पे जस्ट ये आपको पॉन्स दिख रहा होगा और ये है आपका मेडुला, ठीक है, जस्ट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप सभी को, बस नॉर्मल सा सीखना है। मेडुला को हम मेडुला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं, और मेडुला ऑब्लंगेटा सबसे सेंसरी पार्ट होता है अपने बॉडी का, सेंसिबल पार्ट आप कह सकते हो। जैसे कि मैं अगर सिंपल वर्ड में कहूं तो जैसे कि फीमेल्स में देखो आप ब्रेस्ट हो गए, फिर और भी मेनी पार्ट्स होते हैं जैसे कि बहुत सेंसिबल होते हैं, बहुत ही नाजुक कह सकते हो आप ऐसे, ठीक है, वैसे ही अपने ब्रेन में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके पास ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है ये बहुत ही मतलब नाजुक यानी सॉफ्ट होता है, इसमें थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ भी टच हो गया, जस्ट टच, वो टच आपको इंस्टेंटली अनकॉन्सियस कर देगा, समझा कि नहीं ऐसा। तो आपने कराटे कुंफू में भी देखे होंगे, जस्ट बैक साइड में टच करते हैं वहीं पे बॉडी खत्म हो जाती है, अनकॉन्सियस हो जाते हैं, मरते नहीं है अनकॉन्सियस, ज्यादा तेज से लगेगा तो खत्म भी हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, सो अनकॉन्सियस हो जाते हैं। तो वो यही करते हैं, यहाँ पे जस्ट टच करते हैं, इतनी फास्ट फिंगर को अंदर डीप डाउन कान के नीचे अंदर मतलब जो फिंगर्स होती है उसको अंदर डालते हैं कि ये ऑब्लंगेटा को टच हो जाए, और दैट्स इट, आप अनकॉन्सियस हो जाओगे। फिर अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन गई तो ही आप फिर मतलब ज्यादा ऑक्सीजन गई तो ही आप फिर कॉन्शियस हो जाओगे, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो गाइस क्या होता है, अपना हार्ट, आपको पता ही है कि हमने कल देखा था कि अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी हम इसके बारे में देखेंगे भी, डोंट वरी। तो गाइस मैं तो कहता हूं कि अभी इसको मत पढ़ो, मैं अभी जस्ट थोड़े टाइम बाद इसको आपको बताता हूं तो और अच्छे से समझेगा ये हार्ट का काम क्या है, आर्टरीज के कैसे यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये सब मैं बताऊंगा, बट फिलहाल ब्लड की बात वहां पे मैं बताने वाला, तो मैं अभी बता देता हूं आपको। हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजन के साथ या ऊपर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी है, इसका लेवल इंक्रीज होता है, ये पॉन्स वेरोली आप कह सकते हो या फिर मेडुला ऑब्लंगेटा में जाता है, वहां से सारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो सेंसेशन है नब्स है वो इंपल्सिस को भेजती है यहाँ पे कहाँ पे लंग्स को, कि भाई लंग्स तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ या फिर रिलैक्स हो जाओ, यही सेंसेशन यहाँ पे चलते रहता है। अपना डायफ्राम भी नीचे आता है, अपवर्ड जाता है, तो ये सब सेंसिबल जो चीजें हैं इन सबको ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और ऐसा कब कंट्रोल होता है कि जब ब्रेन को पता चलता है कि हाँ अभी ऑक्सीजन आया है तो फिर ब्रेन वर्क करेगा कि हाँ चलो भाई अभी मतलब ऑक्सीजन आया तो फिर जो अंदर की मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो, ऑक्सीजन आया मतलब कॉन्ट्रैक्ट करो रिलैक्स करो। तो ये सब ये जो ये लाइंस दिखा रही है ना ये सब जानते हो क्या, ये जस्ट इंपल्स है, इंपल्स मंजेगा है नर्व्स, नब्स, समझा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ये सब सिंपल सा पॉइंट था, इसमें और कुछ नहीं है। इंस्पिरेटरी मसल रिलैक्स होती हैं और एक्सपिरेशन भी करती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आती है मतलब एयर लीव्स टू द लंग्स, मतलब जैसे ही आपकी बॉडी में मतलब जो भी आपका लंग्स है, लंग्स में जो भी एयर आता है ऑक्सीजन के अंदर, मतलब ऑक्सीजन जो भी आता है, ठीक है, तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड, मतलब कि जैसे ही आपके बॉडी में जैसे कि ऑक्सीजन आया तो स्ट्रेच रिसेप्टर कैसे हमने देखा था अभी कि वो पूरा स्ट्रेच हो जाते हैं, और जैसे ही आपकी बॉडी से ऑक्सीजन जाएगा तो वो पूरे के पूरे फिर से सिकुड़ जाएंगे यानी कि फिर से श्रिंकन हो जाएंगे, समझा,
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इंस्पिरेटरी सेंटर जो हमने अभी देखा था वो नो लॉन्गर इनिबिटेड, मतलब कि ज्यादा टाइम तक वो फिर रोक नहीं पाता है। इनिबिट करना मतलब या प्रोहिबिट करना, इनिबिट करना मतलब स्टिमुलेट करना। तो इंस्पिरेटरी सिस्टम जैसे ही ऑक्सीजन गया तो उसका फिर इंस्पिरेटरी सिस्टम का कोई काम ही नहीं है, फिर किसका काम होगा, एक्सपिरेटरी सिस्टम का काम आएगा, समझा। तो फिर वहां पे एक्सपिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर भगाने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से गाइस बार बार इंस्पिरेटरी सिस्टम जब ऑक्सीजन आता है और आपका एक्सपिरेटरी सिस्टम जब ऑक्सीजन जाता है तो ऐसे बार बार काम करता है। मतलब एकदम सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं बताऊं तो क्या होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आएगा तो आपकी बॉडी के स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे, एकदम आपके पूरे लंग्स को स्ट्रेच कर देंगे। और ये किसकी वजह से होता है, ये इंस्पिरेटरी रिसेप्टर की वजह से होता है। और ये इंस्पिरेटरी रिसेप्टर किसके अंदर आता है, ये आता है रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर, ठीक है, जो कि अपने ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब आपकी बॉडी से ऑक्सीजन जाएगा तो वो एक्सपिरेटरी रिसेप्टर के अंदर काम आएगा, और वो जो एक्सपिरेटरी रिसेप्टर है वो भी किसके अंदर आता है, रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर आता है। तो गाइस ये जो बार-बार इवेंट है, मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन स्ट्रेच होना और फिर वापस श्रिंक होना लंग्स का, इसे हम कहते हैं हेरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं इसे हम, हेरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स, इसे एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ऐसे इसे बताया था, इसीलिए हम इसे कहते हैं हेरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स। एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछेगा, आपको बता देना है, ठीक है। और हेरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन एक टाइप का इवेंट है, ये कंट्रोल करता है डेप्थ एंड रिदम को, मतलब कितने टाइम में हम कितनी सांसें लेंगे, कितनी ब्रीदिंग करेंगे, ये भी इसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब अगर मुझे 12 सांसें नॉर्मल लेनी है तो मेरी लाइफ नॉर्मल रहेगी 1 मिनट में, तो इसे भी कौन कंट्रोल करेगा, यही हेरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स। और ये हेरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स क्या है, वही ऑक्सीजन आया तो लंग्स स्ट्रेच होगा, ऑक्सीजन गया तो लंग्स फिर से श्रिंक होगा, यही जो रिफ्लेक्स एक्शन है, अचानक मतलब अपने आप होने वाला एक्शन, ठीक है, उसे रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यही जो अपने आप होने वाला रिफ्लेक्शन, इसे हम हेरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो वही है लंग्स फ्रॉम इन्फ्लेटिंग टू द पॉइंट ऑफ बस्टिंग, ठीक है। अगर ज्यादा अगर आपने प्रिवेंट किया कि नहीं नहीं अभी मैं सांस लूंगा ही नहीं है, सांस ज्यादा लेके आप छोड़ोगे नहीं, तो आपके लंग्स के बस्ट होने के चांसेस है, मतलब जस्ट इन्फ्लेटेड या फिर आपका लंग्स टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग मे बी हैपन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। तो गाइज ये था पूरा अपना जो भी हमने अब तक पूरा सांसों का समझा, अब हम धीरे धीरे ब्लड की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही बेस्ट नोट्स मैं अभी आपको इसके बाद देने वाला हूं, ठीक है, इसके बाद तो पूरा रिटन नोट्स रहने वाली है। थोड़ा सा चार्ट के बारे में उससे पहले जान लो अच्छे से, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये थोड़ा सा हम जानते हैं। देखो हम मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, ये हमको जानना है, ठीक है। तो गाइज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एम्फिसेमा क्या होता है, आपको सारी चीज सिम्टम्स याद रखने, सबके कॉजेस कैसे होता है और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, ये तो आप हेल्थ एंड डिसीजेस में भी ऐसा ही बहुत सारी चीजें पढ़ाई करोगे, बट ये आप अगर जिसको भी नीट दे एग्जाम देनी है और डॉक्टर बनना हो उसके लिए ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो उसे पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो एम्फिसेमा क्या होता है, एम्फिसेमा ब्रेक डाउन ऑफ एल्वियोलाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि जो आपकी एल्विलाई होती है, जहाँ पे एल्विलस होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब की जाती है बाय द कैपिलरी, जहाँ से और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है और फिर वो छोड़ने का काम करता है, वो एल्विलाई आपको पता है ना, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर वो ब्रेक हो गया टूट गया तो वो इसी बीमारी को हम इम्फिसेमा कहते हैं। और ये कब होता है, जब आप स्मोकिंग करती हो, जो आप बेवड़ेगिरी करोगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है, और एयर पोल्यूशन ज्यादा हो गया तब होगा। नॉर्मली दिल्ली के लोगों में एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो इनको ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप क्विट स्मोकिंग छोड़ दो, मतलब बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दो, ठीक है, और अगर पियोगे तो मरोगे, तो पक्की बात है, पियो शौक शान करो, मरोगे जरूर, ठीक है, करो, मेरा क्या है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। फिर ऐसी मतलब ऑक्सीजन और रिलाइव सिम्टम्स से, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा लो, थोड़ा सा फायदे में रहोगे। देन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, आपने सुना होगा कहीं, जिसकी सांसें फूलती हैं और कफ ज्यादा आता है उसे हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये क्या होता है, मैंने आपको एक चीज दिखाया था कि देखो वहां पे ट्रैकिया होता है, देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया से सांस जाती है। अगर गाइस ट्रैकिया में कोई लिक्विड मटेरियल भर जाए, क्या हो जाए, लिक्विड मटेरियल अगर भर जाए, तो अगर ट्रैकिया में लिक्विड भर जाएगा तो सांस कैसे जाएगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो नहीं जाएगी, तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं, ठीक है, हमारी सांस बहुत जल्दी फूलने लगेगी और हम सांस नहीं ले पाएंगे। और कफ, वो जो लिक्विड होता है वो कफ भर जाता है, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हम सांस नहीं ले पाते। और ये भी कैसे होता है, स्मोकिंग की वजह से या फिर एयर पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए भी सेम है कि आप यही करो, नॉर्मली ड्रायर क्लाइमेट में रहो, जहां मस्त हिमालय वगैरह वाले रीजन में, ड्रायर मंजे मतलब कि यार आप हिमालय के ज्यादा ठंडों में मत रहो, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मुंबई का कंडीशन है वैसा रहो, ठीक है।
देन एक्यूट ब्रोंकाइटिस, गाइस क्रॉनिक मतलब होता है बहुत ही सीवियर, एक्यूट मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो हो जाती है, लेकिन ये क्यों होता है जानते हो, इन्फ्लेमेशन होता है जब जब भी ब्रोंकाई में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मतलब लिक्विड ना भरे बट कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसमें भी नॉर्मली म्यूकस यानी वही लिक्विड होता है, जो म्यूकस मतलब एक आपने सैम्बोर्ड देखा होगा ना जो आपके नाकों से निकलती है मलाई, ठीक है, तो वो म्यूकस वैसा म्यूकस आपके ब्रोंकस में भर जाता है, तो फिर सांस कैसे जाएगी, ऑक्सीजन कैसे जाएगा एल्वियोलाई तक, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भी यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली वायरस एंड बैक्टीरिया की वजह से होता है। आपने नाम अभी सुना भी होगा कोरोना वायरस। गाइस कोरोना कोई एक एक वायरस नहीं है, कोरोना एक बड़ी सी वायरस की फैमिली होती है जिसके अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं, ठीक है। तो ये होता है, और ये अगर किसी को पकड़ते तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स खराब हो जाता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया या फिर अगर आपको बैक्टीरिया को भगाओ या फिर एंटीबायोटिक्स लो, कफ मेडिसिन लो, वेपोराइजर इस्तेमाल करो, देखो आप भाफ देते हैं ना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भाफ देते हैं, वही वेपोराइजर होता है। अगर आपको साइनोसाइटिस हुआ है, मतलब अगर आप, देखो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक बात क्या होता है ये गाइस, तो मुझे भी कभी कभी होता है, इसमें कोई नहीं है, ये नॉर्मल भी होता है, बट ऐसा कुछ नहीं। देखो जब कभी आपको सर्दी वगैरह होती है, नॉर्मल है सर्दी होती है, तो आपको जब सर्दी होती है देखो हम क्या करते हैं, बार बार सर्दी ऐसा ऊपर लेते हैं, ठीक है, मतलब जो अपने अंदर वो मलाई भरी होती है उसको हम ऊपर लेते हैं, ऊपर लेते हैं ना, तो गाइस हमारे, मैं आपको एक 3D वीडियो बनाऊंगा इसकी, जिसमें मैं आपको सब बता दूंगा किधर क्या क्या होता है। तो जब हम ऊपर की तरफ सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो वो म्यूकस मलाई होती है वो क्या होती है, वो मलाई ऊपर चली जाती है, मतलब आईज के ऊपर, दो साइनस यहाँ पे नब्स होती है ऊपर आईज के पास, वहां पे चला जाता है, और वहां पे जब लिक्विड भर जाता है तो बहुत सर के ऊपर पेन होता है, मतलब वन साइडेड पेन होता है, बहुत खतरनाक पेन होता है, उसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। और जस्ट जब भी कभी आप कोई सर्दी वाला हो जाए, आपको कोई बाहर का या मतलब पॉल्यूशन में चले जाओ तो आपको बैक्टीरिया पकड़ ले, तो फिर आपको सर्दी होती है, और फिर जब आप बार बार सर्दी को ऊपर की तरफ ऐसा लोगे ना, नाक से ऊपर लोगे, तो क्या होता है कि वो लिक्विड आपके ऊपर साइनस नर्व्स में भर जाता है, और फिर वो बहुत पेन करता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, वो एंटीबायोटिक्स ले लो और वेपराइजर लो, ठीक हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सर्दी को मत आने तो ये कभी नहीं होगा। फिर लैरिंजाइटिस क्या होता है, तो लैरिंग्स में प्रॉब्लम, मतलब कि आप वोकल कॉर्ड जिससे आप बोलते हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो लैरिंजाइटिस होता है, ये भी वायरस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरियल टेक्स एंटीबायोटिक्स आप ले लो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। स्मोक वगैरह मत करना भाई, बीड़ी सिगरेट काहे को पीते हो तुम लोग, काहे को पीते हो, ऐसा पियोगे तुम लोग, मतलब सुट्टा बिट्टा नहीं मारने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी निमोनिया, ठीक है। तो निमोनिया क्या होता है, यहाँ पे समझो भाई, निमोनिया बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे गाइस, जैसे इन्फ्लेमेशन मतलब ये लंग्स जो होते हैं, लंग्स ठंडी के मौसम में ज्यादा निमोनिया बच्चों को पकड़ता है, छोटे छोटे 5 साल के बच्चों को ज्यादा निमोनिया होता है, बड़े बच्चों को तो निमोनिया जल्दी नहीं होता है, बड़े बच्चों को डबल निमोनिया हो जाता है, डबल निमोनिया मतलब कि एक बार निमोनिया हो दोबारा फिर से निमोनिया हो और मरना फिक्स है, ठीक है। सो मतलब निमोनिया हो जाता है, इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होती है उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाना, मतलब कफ और फीवर, कफ बहुत ज्यादा भर जाती है, आप सांस ले नहीं पाओगे, ठीक है, मतलब सांस बिल्कुल नहीं ले पाओगे, मतलब जो इंसान निमोनिया से मरता है बहुत गंदी मौत है, सांस ही नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके जो ब्रोंकस होते हैं ना, ब्रोंकस, सांस तो आप ऑक्सीजन तो बाहर से लोगे लेकिन आपके एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और सोचो बड़ा जरा कितनी गंदी बात है। मतलब मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कैसे क्या होता है, देखो यहां पे आपको दिखाता हूं, मैं यहां पे, यहां से ऑक्सीजन, आप देखो ये आपका पूरा जो ये पार्ट है आपका एल्वियोलस वाला पार्ट है, मतलब जो ये वाला पूरा पार्ट है ये एल्वियोलस वाला पार्ट है, यहीं पे आपकी कैपिलरी, देखो ये कैपिलरी है, और ये क्या करती है, ये ब्लड को लेती है, मतलब ब्लड है इसके पास और ये ऑक्सीजन को अंदर से अंदर लेती है, ठीक है। तो जब गाइस ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका वही पार्ट है ना जहां से ऑक्सीजन आता है बाहर से आपके फेफड़ों में से, समझ रहे हैं, मतलब देखो ये, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो पूरा ये पार्ट है, ठीक है, आप देख रहे हो ये वाला जो पूरा आपका पार्ट है, यहाँ से ऑक्सीजन आता है ना इसके अंदर, तो जब यहाँ से ऑक्सीजन तो आ रहा है लेकिन इनके जगह में यहाँ पे क्या भर गया, लिक्विड भर गया, तो अब ऑक्सीजन आ पाएगा क्या अंदर, गैस नहीं आ पाएगी। तो जो ये नब्स है, इन नब्स को यहाँ पे जो ये ब्लड है, ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगा क्या, और ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमेशा आपकी पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाएगा और आप तुरंत ही तड़प तड़प के मर जाओगे, समझ में आए मेरी बातें क्या है, ठीक है। सो मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम ऐसे ही मर जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा हो जाता है, मतलब अगर कोई दूसरा तरीका आ जाए कि जिसकी वजह से हम ब्लड को, मतलब जो अपने बॉडी में ब्लड है उसको हम लोग ऑक्सीजन दे दे तो हम बच सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, हम तुरंत ही मर जाते हैं, क्योंकि हमें जस्ट 5 मिनट का टाइम तो मिलता ही है, 5 मिनट में आप क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। तो ये बात होती है जस्ट, ठीक है। तो देखो इतनी बड़ी, मतलब इसीलिए बोलते हैं कि यार ऐसी अपनी लाइफ है, बहुत ही हम
किस कदम कदम पे चल रहे हैं वो बहुत ही मतलब सीवियर, हम किस वजह से जिंदा है वो भगवान ही जाने। ठीक है, तो बैक्टीरिया एंड वायरसेस की वजह से ये भी होता है। जस्ट कंसल्ट फिजिशियन इमेजिएटली, बहुत ही एंटीबायोटिक्स आपको देगा, कफ मेडिसिन और वार्म हमेशा रहो, ठंडी में मत जाओ बिल्कुल भी। अस्थमा ये भी एक बहुत ही बड़ी बीमारी, इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अस्थमा की वजह से मर रहे हैं हर साल। ठीक है, और ये क्यों होता है, जस्ट वही ब्रांकियोल्स जो मैंने आपको बताया, ब्रांकियोल्स वहां पर लिक्विड भर जाता है, मतलब कि बार बार वीजिंग, वीजिंग मीन्स वहां पर पानी भर जाना, और जब पानी भर जाएगी तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं, डिफिकल्टी इन, आप सांस ही नहीं ले पाओगे, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। और आपकी ब्रोंकियोल्स मतलब देखो इसमें क्या होता है, जो वो पाइप है ना सांस आने की, ये एल्वियोलाई तक, ठीक है, एल्वियोलाई में एक बार ऑक्सीजन अगर आ गया ना, आपके नाक से भी अगर ऑक्सीजन ना आए, आपके सीधे एल्वियोलाई में कोई अगर ऑक्सीजन देते रहे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहीं से तो आपका ब्लड ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, तो ये अभी मैं बताऊंगा क्यों आता है, क्यों सारी चीजें क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी सारा प्रोसेस, बस पूरा वीडियो इसलिए देखने बोला है मैंने। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो ये है ना, ये पाइप ही पूरी बंद हो जाती है, जैसे आपके घर में नल वाली पाइप होती है, आप पाइप को दबा दो हाथ से तो पानी कैसे बाहर निकलना बंद हो जाता है, तो वैसे ये पूरी पाइप ही क्लोज हो जाती है, अब ऑक्सीजन ही कैसे आएगा, जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो फिर आप सांस ले ही नहीं पाओगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की तो बातें छोड़ दो, सांस ही नहीं ले पाओगे, तो ये अस्थमा होता है। और बहुत सांस फूल लगती है, आपने टीवी मूवी में देखा होगा, पता नहीं क्या करते, तो देखो मुंह में लेते हैं वैसा, ठीक है, तो लेते हैं तो उसी की वजह से अस्थमा ठीक होता है फिर। ये जस्ट जिसके ये बहुत ही मतलब नॉर्मल है यार, ये पॉलन जो होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, एलर्जी की वजह से होता है, किसी किसी को एलर्जी होती है धुआं से, या फिर किसी को धूप से एलर्जी होती है तो उसे अस्थमा हो जाता है। ठीक है, धूप मतलब वही सनलाइट यार, ठीक है, किसी 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 फूड खाना खाने से, कोई फूड खा लो आपको अस्थमा हो जाएगा, किसी किसी को पेट, कोई अगर मान लो किसी एनिमल आपको दिख गया, कुत्ते बिल्ली, उनको देखने से छूने से भी आपको एलर्जी हो जाती है, एलर्जी है जस्ट ये। तो अस्थमा का इसमें तो एक बात बताऊंगा कि ये एक ब्रेन का पूरा सिस्टम है, आप अगर सोचते हो कि मुझे पेट से अस्थमा होगा तो आपको हो जाएगा, अगर नहीं, अगर आप सोचोगे मुझे धूल से हो जाएगा तो हो जाएगा, जस्ट ये एलर्जी होती है, एलर्जी की बीमारी आपके ब्रेन में खुद ही होती है ठीक करने की जो दवाई है। ठीक है, तो ये इरिटेंट्स को अवॉइड करो, जिससे इरिटेट होते हो उससे अवॉइड करो, नहीं तो आप मारे जाओगे फोकट का इरिटेंट्स की वजह से, और इसी का लोग फायदा भी उठाते हैं, आपके सामने एलर्जी वाली चीज ला देते हैं और आप मर जाते हैं तुरंत ही, ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप देखोगे, सिलिकोसिस, एब्स्टोसिस डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी के, तो ये भी बहुत सारी बीमारी है, लाइक फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस मीन्स फाइबर्स का क्रिएशन और लंग को डैमेज कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके बॉडी में होती हैं, इनके भी ये आपके सिम्टम्स हैं और ये सारी बीमारियों को ठीक करने के तरीके। तो गाइस ये था पूरा बीमारियों के बारे में, थोड़ा सा अपने आपको संभाल के रखो, कब क्या हो जाए इंसान को कोई नहीं कह सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और फिर वो सारा होशियारी जो है साइंस वाली सारे निकल जाती है, फिर भगवान ही लास्ट में काम आते हैं। तो एक बार बीमारी हो ना, नहीं तो आपको मरने में 1 मिनट नहीं लगेगा, और जब आप रहोगे ही नहीं तो किसको देखोगे, भगवान को, कि फिर कहां जाओगे, कुछ नहीं, सारी होशियारी निकल जाती है फिर, पता है ना। चलो आगे बढ़ते, तो ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, तो पहले भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दूं कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है मल्टी सेलुलर, दूसरा होता है यूनिसेलुलर। ठीक है, दोनों में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का। अब हम धीरे धीरे ब्लड की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमने देख लिया ना कि ब्लड, हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं आपको पता चल गया ना, रेस्पिरेशन हम इसलिए करते हैं कि जो अपनी ऑक्सीजन है वो ब्लड को मिले, और जिससे कि अपना ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमारी बॉडी को चाहिए, अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो हम 2 मिनट के अंदर मर जाएंगे। हमने देख लिया कि कैसे हमारे अंदर बीमारियां होती जिससे कि हम ऑक्सीजन की वजह से मर जाते हैं, तो ऑक्सीजन की वजह से मरने की इसके पहले हमने सारी बीमारियां ये दोनों देख ली अच्छे से, तो इसे आप एक बार बार रिपीट कर लो तो सारी बीमारियां नाम याद हो जाएंगी, सारी बीमारियों के आपको नाम याद करने हैं। ठीक है, तो गाइस हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज होता है, मतलब ब्लड है, ब्लड बहुत सारी चीजें कैरी करता है, ग्लूकोज है, मटेरियल है, विटामिन से ऑक्सीजन, तो ये टिश्यूज में कैरी करके और ऐसा ट्रांसफर होता है। जैसे कि मान लो देखो वही बस जैसा है, एक रोड है और यहाँ पे कोई भी एक चीज है, बस यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आप उतर के कोई भी चीज लोगे, फिर लोड करके फिर आगे जाओगे, ऐसा ही है। तो ये समझो कि ये एक आपका ब्लड वेसल है, और इसके अंदर जो व्हीकल है सपोज वो आपका ब्लड है, और ये आपके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये जो है आपकी चीजें, ये क्या है, आपके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इन ऑर्गन से कोई चीज लोगे और इस ऑर्गन को कुछ चीज दोगे और फिर आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चलता है। ठीक है, यही एक्सचेंज होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है बहुत सारे मटेरियल्स का। ठीक है, विद सराउंडिंग एज वेल एज विद द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल एंड द बॉडी, ऐसा बार बार होता है हमारी बॉडी में। गाइस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म आपने 11th पढ़ा होगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। क्या होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, रिपीट विद मी, क्या होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। गाइस जो कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, काटना, काटना, काटना मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, मतलब ब्रेकिंग डाउन, क्या ब्रेकिंग डाउन अभी बताऊंगा। एनाबॉलिक में क्या होता है, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, क्या होता है, बिल्डअप। ठीक है, बिल्डिंग अप आप लिख लोगे, मैंने जो वर्ड्स को बोला वर्ड्स में फोकस करना। ठीक है, तो बिल्डिंग अप होता है, इसमें ब्रेकिंग डाउन होता है। गाइस जो भी हम खाना खाते हैं, फूड मटेरियल हम लोग खाना खाते हैं, हम जैसे खाना खाए तो हमारे बॉडी के अंदर वो खाना क्या होता है, ब्रेक होता है, तो जिस प्रोसेस की वजह से ब्रेक होता है उसे हम कैटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, और वो ब्रेक होने के बाद
फिर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोज तो हम खाते नहीं है, हम तो रोटियां खाते हैं, रोटियों से हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ब्रेक करके हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और फिर इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है इसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। समझ गया, मतलब ये जो बॉडी ग्लूकोज हमने खाया तो ये ग्लूकोज जो भी हमने मतलब हमारी बॉडी में मिली, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के सेल्स तक जाएंगे, फिर वहां पे बिल्डिंग अप होगा हमारी बॉडीज के अंदर सेल्स का, सभी का बिल्डिंग अप होता है, तो इस बॉडी का इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो यही है पूरा मेटाबॉलिज्म, यानी कि खाना को ब्रेक करना, यानी खाने पचाना, पचाने के बाद उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करना, उस एनर्जी का ग्रोथ में हेल्प मतलब इस्तेमाल करना, तो यही है मेटाबॉलिज्म होता है। कंबाइनली हम क्या कहते हैं इसे, मेटाबॉलिज्म, यानी कि खाने को खाया, उसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वेस्ट वाला तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, मलाई वगैरह, ठीक है, और बाकी का जो बचेगा ग्लूकोज वगैरह एनाबॉलिक एक्टिविटी में आ जाएगा, और आप मेटाबॉलिज्म इसी प्रोसेस को हम बार बार कहते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गाइस डिपेंड होती है ऑक्सीजन के ऊपर। जब गाइस सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो उसे ब्लड चाहिए, और सभी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, यानी कि ब्लड का ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, आपके रेस्पिरेटरी वही एल्वियोलाई वाले पार्ट से ना, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको सारे स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, डायग्राम में क्या कहां हो रहा है सब याद करने पड़ेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो वहां पे क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम इसे कहते हैं, मतलब उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत है, और अगर ये ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, जब आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तभी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, और बाकी के वेस्ट मटेरियल बाहर सराउंडिंग में हम छोड़ देते हैं, यही बात आपको ध्यान रखनी है। चलो गाइस अभी मैं आपको प्रॉपर नोट्स देता हूँ सारी ट्रांसपोर्टेशन का अच्छे से, ठीक है। तो ये रही ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपके बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिख के रखा है, चलो ध्यान से आपको सारी चीजें समझनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ट्रांसपोर्टेशन एक्जैक्टली होता क्या, पहले ये जानो भाई एक्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन ये होता है कि ये एक जस्ट डिफ्यूजन है, मतलब कि दो तरीके से होता है, एक डिफ्यूजन की हेल्प से और एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड की हेल्प से। मतलब कि देखो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है जानते हो, देखो जैसे कि मैंने वही बताया ना आपको कि जैसे कि आपके ब्लड ने ऑक्सीजन लेके रखा है, आपको उस आपके उस ब्लड को एल्वियोलाई से ऑक्सीजन मिल चुका था, ठीक है। तो अब उस ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में जाएगा, तो ऑक्सीजन देगा और वहां से कुछ लेगा, क्या लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन देगा। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या बनाया, ग्लूकोज, हम खाना खाते हैं, सारा चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, स्टमक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CO2 गैस निकलती है, जब भी हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो CO2 निकलेगा ना, ठीक है। तो अब ब्लड यहां पे आएगा, यहां से ये अभी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड अपना ऑक्सीजन इसे देगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, समझा कि नहीं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये पूरा ब्लड है, ठीक है, ये पूरा ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड ने रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिया था सारी चीजें, ऑक्सीजन वगैरह, उसने डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं किसी भी सिस्टम की बात कर रहा हूं, आप ब्रेन के सिस्टम की बात कर सकते हो, किसी भी चीज की बात कर सकते हो, मैं डाइजेस्टिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दे दिया जो कि उसने रेस्पिरेटरी से लिया था अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, ठीक है, और इसने लिया यहां पे, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने CO2 बना के रखता है, ठीक है, जब क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन होता है ना, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है यहाँ पे, तो यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल वापस से जाएगा कहाँ पे, इस ब्लड स्ट्रीम में, और इस CO2 लेके बाहर चला जाएगा, फिर से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एल्वियोलाई के पास, और वहां से ऑक्सीजन गेन करके वापस से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, समझा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये यही होता है कि बाय द डिफ्यूजन, यानी कि कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन यहां से यहां कैसे जाएगा, तो विद दी हेल्प ऑफ प्रेशर, मतलब कभी कभी यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो, यहाँ का कम हो, तो ट्रांसफर होता है, ये डिफ्यूजन की वजह से, या फिर सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी मूवमेंट की वजह से, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म जो होते हैं, सेल का साइटोप्लाज्म पता है ना, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म जो गाइस होता है ना, ये साइटोप्लाज्म मूव करता है, मूव, इसके अंदर लिक्विड जो भरा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड होता है, ये मूव करता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी प्रोसेस को हम साइक्लोसिस कहते हैं, यानी साइक्लोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब जो मूवमेंट है साइक्लोसिस उसे कहते हैं। साइटोप्लाज्म किसी बॉडी के अंदर जब मूवमेंट करता है तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम इसे क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है, और ये नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप में होता है, एक होता है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन गाइस जो कि आपके सेल्स में हो, मतलब विद इन दी सेल्स, सेल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो उसे हम इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और जो सेल के आउटसाइड हो, बाहर हो, उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इन दोनों का एग्जांपल अभी मैं अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, बस आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो जो आपका मतलब इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है, तो आपके सेल में, मतलब जो बॉडी के अंदर सेल्स होती है, सेल्स,
ठीक है, इनमें होता है। मतलब आपको ये चीज याद रखनी है, मतलब देखो जैसे कि आप ये ब्लड है, ब्लड है आपका, यहाँ पे ये आपका ब्लड स्ट्रीम, यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है और ये सेल्स है, तो ये ब्लड यहाँ से ऐसे सेल्स के पास से लेन देन होगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्लड पूरे बॉडी में घूमता है ना, क्यों घूमता है, कुछ देने के लिए कुछ लेने के लिए। तो ये अगर सेल के लेवल में कुछ ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो इसे हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। और अगर ये सेल के बाहर, मतलब किसी किसी में देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसी किसी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मैं इन दोनों के बारे में अभी बात करूंगा अच्छे से, बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने शॉर्ट में नोट्स आपके लिए बना रखी है, एक ही बार पढ़ोगे वही बुक्स में आप आपके आपके बोर्ड एग्जाम यूज करोगे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, ध्यान देना। तो गाइस जो एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है यहां पे सेल के बाहर, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी जब मैं आपको बताऊंगा मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, क्लोज और ओपन वाला, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन है कितने टाइप का होता है, तो सर्कुलेशन जो है गाइज, ये सर्कुलेशन इन एनिमल की अब हम बात करेंगे, सर्कुलेशन यानी कि अब धीरे धीरे हम सर्कुलेशन प्रोसेस में आ रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन इन एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, तो सर्कुलेशन इन एनिमल्स गाइस, जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स, तो हायर एनिमल्स में जो सर्कुलेशन है ये फ्लूइड का विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड लिम्फ की वजह से होता है। किसकी हेल्प से होता है सर्कुलेशन, विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड लिम्फ की हेल्प से सर्कुलेशन होता है हायर एनिमल में, जो कि हमारे अंदर ऐसा होता है, हम वी आर द हायर एनिमल, दैट इज मैमल्स, वी आर द मैमल्स, ठीक है। तो हमारे अंदर ब्लड और लिम्फ की हेल्प से, लिम्फ भी एक टाइप का लिक्विड होता है, लिक्विड जो कि ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहता है, तो इसी की मदद से हमारे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये नॉर्मली गाइस जो सर्कुलेशन ये इस्तेमाल करता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन द सेंस ऑफ हार्ट को, ठीक है, हार्ट वगैरह होता है ना, वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, इनका इस्तेमाल करता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो गाइस जो सिस्टम है ये दो टाइप का है, पहला है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इस दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, देखो हमारे बॉडी में कैसा रहता है कि हमारे बॉडी में जो नब्स होती है, नब्स, ठीक है, मतलब जो नसें होती हैं, नसें यानी कि वेन्स और आर्टरीज, उसमें से खून बहता है, ठीक है, तो मतलब वो हमारा उसके अंदर से बहता है, बट बहुत सारे ऐसे एनिमल लाइक कॉकरोच वगैरह, उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब उनके अंदर नब्स वगैरह नहीं होता, ठीक है, उनके अंदर सीधा, मतलब आप बस कट कर दो अगर उनके बॉडी को, तो सीधा खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उनके अंदर नब्स वगैरह बहुत कम होती है, ठीक है, सीधा, मतलब जैसे कि अगर मान लो कोई ऑर्गन है, तो यहां से ऑर्गन के अगल बगल ही ब्लड बहेगा, समझ गया, ऐसा नहीं है, बट हमारे ऐसा होता है, बट हमारे अंदर कैसे, मान लो अगर ये ऑर्गन है, तो यहां पे पहले एक पाइप रहेगी, यानी कि या तो वो वेन्स होगी या तो आर्टरीज होगी, और फिर उसके थ्रू यहां से ब्लड बहेगा, समझा। तो ये हमारा क्लोज्ड, मतलब कि अपना ब्लड क्लोज हो गया, यानी नसों के अंदर बहता है, और अगर हमें कुछ लेना देना होगा, ये मान लो इस ऑर्गन से हमें कुछ लेना देना है, तो फिर यहाँ पे ये मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन में से खून यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से कुछ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हमारे अंदर दिखाता हूँ, देखो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आपको सारा चीजें समझ में आ जाएंगे एक झटके में। देखो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत ही बेस्ट तरीके से, ठीक है, देखो बहुत ही अच्छे समझेगा आपको, ध्यान देना, ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है आपका, ब्लड है, ठीक है, मतलब पाइप है, ठीक है, और ये आपका ऑर्गन है, ठीक है। तो इस ऑर्गन से आप सीधा ब्लड ये ऑर्गन में टच हो रहा है क्या, नहीं, पहले क्या है, मेम्ब्रेन है, तो ये ऑक्सीजन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तब इस पाइप में आएगा, यानी कि अपना ब्लड एक पूरी क्लोज पाइप में बह रहा है, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट अगर यही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता, तो मान लो अगर ये ऑर्गन है पूरा का पूरा ऐसा ऑर्गन है, तो यहाँ पे सीधा ब्लड ऐसे ही घूमेगा, मतलब ब्लड इसी में ऐसा टच हो के निकलेगा, टच ऐसे ही ब्लड होके ऐसे ही ब्लड निकलेगा, समझ गया, ऐसे ही ब्लड निकलेगा, ठीक है। तो ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इस चीज को आपको गाइस अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो तो ये आपको समझ चुका है, ठीक है। तो ओपन और क्लोज क्या है, अभी इसके बारे में मैं डीप में भी बताऊंगा, डोंट वरी, पूरा नोट्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम समझ गया, अभी बताऊंगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर गाइस दो चीजें होती हैं, एक है सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि क्लोज ये हमारे ह्यूमन बींग्स को फॉलो करता है, यानी हम मैमल्स को, तो हमें इसके बारे में डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेशन में दो टाइप होता है, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, दोनों के बारे में हम समझते हैं। पहले देखो यहाँ पे गाइस हम ओपन के बारे में डीप में समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम गाइस जो होती है ना, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ही चीज आपको अच्छे से फॉलो करनी है कि इसके अंदर जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब ओपन के अंदर सीधा कैविटीज होती है ऑर्गन्स के बीच में, मतलब कि जैसे कि सीधा मैंने बताया ना, और मान लो अगर कोई लीवर है, लीवर तो फिलहाल होगा ही नहीं, बट लीवर है अगर मान लो, तो ब्लड ऐसे लीवर के अगल बगल नाच नाच के जाएगा, बट अगर यही हमारे अंदर होता तो कैसे रहता, लीवर के अगल बगल पहले नसें होती, नसें, और उन नस से क्या जाता, अपना ब्लड ट्रांसफर होता, तो वो क्लोज हो गया, बट दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द कैविटीज, यानी एम्प्टी जगह, कैविटी मतलब एम्प्टी जगह, जिसे हम होमोसील्स भी कहते हैं, जहां से खून बहता हो,
ऐसी खाली जगह, सील मतलब होता है सीओएल, सीओएल ऐसा कहते हैं इसे, सीओईएल, ठीक है, जिसका मतलब खाली जगह है। आपने सीना सुना भी होगा ना सियोलम, ठीक है, सुडो सियोलोमेट ऐसा सुना होगा, तो वही सियोलम मतलब एम्प्टी स्पेस, और होमो मतलब होता है कि आपका ब्लड या सिमिलर ब्लड, होमोसील्स, ठीक है, याद रखना अच्छे से। सेकेंड कंडीशन ये गाइस कि ये यहाँ पे डायरेक्टली मतलब अगर आपको एक्सचेंज कुछ करना है तो ब्लड तो बगल बगल में ही घूम रहा है ना, तो कुछ एक्सचेंज करना है सीधा ऑर्गन से, कुछ भी चीज अगर ब्लड में एक्सचेंज करनी है, क्योंकि ब्लड ही तो ऑक्सीजन लेके चलता है, तो अगर कुछ भी आपको एक्सचेंज करना है तो सीधा ऑर्गन से एक्सचेंज हो जाता है, मतलब सीधा एक्सचेंज, मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल और टिश्यू और द ऑर्गन, ठीक है, तो ये आपको समझ के रखना, सीधा एक्सचेंज, क्योंकि बीच में मेम्ब्रेन वगैरह आने नहीं वाली है, क्योंकि मेम्ब्रेन है ही नहीं, सीधा सीधा एकदम ब्लड और सीधे ऑर्गन का सीधा कॉन्टेक्ट है, कोई बीच में नहीं आने वाला है, मतलब कोई पाइप बीच में नहीं आएगी कि पाइप के थ्रू ब्लड जा रहा है और यहाँ पे ऑर्गन है, तो पहले पाइप के पाइप को क्रॉस करके कोई चीज ट्रांसपोर्ट करानी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही लो, बहुत ही धीरे धीरे, मतलब अपना इनका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वाले जो एनिमल्स होते हैं, इनमें बहुत ही धीरे धीरे ब्लड का प्रेशर होता है और बहुत आराम से ब्लड बहता है, इसीलिए इनकी बॉडी जो होती है बहुत ही आलसी होती है और एनिमल्स भी बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, तो वो इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, क्योंकि इन्हें किसी भी हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है, इनका ऑक्सीजन सीधा ही ऑक्सीजन लेते हैं और सीधा ऑर्गन तक पहुंच जाता है, कोई भी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑक्सीजन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको, इसके लिए इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। नाउ नेक्स्ट गाइस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द नेटवर्क, एक कैपिलरीज की नेटवर्क होती है, यानी कि वो नसों की नेटवर्क होती है, कैपिलरीज यानी वेंस और आर्टरीज की नेटवर्क होती है हमारी पूरी बॉडी में, अपने हाथों में नसें देखी होंगी, अपने पैरों में नसें देखी होंगी, हर जगह अपनी बॉडी में नसें ही नसें हैं, ठीक है, यानी नब्स ही नब्स है, उन नब्स के थ्रू ही हमारे बॉडी में क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह में, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब अपना ब्लड एक नसों के अंदर पाइप के अंदर क्लोज होकर बाहर निकलता है, तो अगर मान लो ये पाइप है और यहां से ब्लड जा रहा है, और यहां पे कोई अगर मान लो लीवर, हार्ट, कोई भी ऑर्गन, हार्ट तो फिलहाल है ये मेन, अगर कोई भी ऑर्गन आ गया सपोज, ठीक है, तो अब ब्लड देना है इधर से उधर, तो क्या करोगे, तो यहां से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड यहां से कोई मटेरियल दोगे, यानी एक्सचेंज करोगे और यहां से कुछ फिर लोगे, यानी उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और जो गाइस ये रेस्पिरेटरी जो होता है, ये पिगमेंट कंटेन करते हैं हमारा क्लोज वाला, यानी हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, क्योंकि हमारे अंदर क्लोज है सारा चीजें, ओपनली नहीं है कि सीधा मिल जाएगा, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने वाला होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है और फिर जहां जहां चाहिए होता है वहां पहुंचाता है अपना ब्लड, तो ब्लड का एक ही काम होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए कि हर जगह वो ऑक्सीजन को पहुंचाए, जिससे कि हमारी हरी सारी बॉडी ऑक्सीजनेटेड रही आए, समझा, इसके लिए ऐसा होता है। और गाइस ये किसके थ्रू होता है, तो वो जो मैंने बताया ना मेम्ब्रेन, तो गाइस देखो मान लो ये कोई लिक्विड है आपके सामने, ठीक है, और यहां से ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, तो एक बात आपको समझनी, इनके बीच में कभी भी देखो, अभी अगर मान लो आपकी चमड़ी है, आपकी स्किन है, और आपकी स्किन और अगर और आपका जो नसें हैं, नसें, तो उस स्किन और नस के बीच में थोड़ा सा चिकनाहट होती है, यानी जिसे सॉफ्टनेस कहते हो, कह सकते हो, फ्लूइड भी आप कह सकते हो, ठीक है, समथिंग फ्लूइड यहाँ पे रहेगा, फ्लूइड यानी कि एक जस्ट फ्लूइड, जिसे हम लिम्फ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, तो यानी कि लिम्फ की अब कोई भी चीज ट्रांसफर करना है अगर आपको, तो यहां से यहां आएगा और यहां से यहां जाएगा, तो बीच में लिम्फ से होकर जाना पड़ेगा ना, तो लिम्फ की मदद से, यानी जो एक्सचेंज होता है वो लिम्फ की हेल्प से ब्लड और बॉडी के बीच में होता है, बॉडी ऑफ द ऑर्गन्स, यानी लीवर, इंटेस्टाइन, ब्रेन, कोई भी चीज हो सकती है, तो ब्लड और बॉडी के बीच में, बॉडी ऑर्गन्स के बीच में लिम्फ होता है, और लिम्फ ही ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और इसी का इस लिम्फ में ही अपने WBC भी होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि मदद करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हमारे बॉडी में सांस के थ्रू ही, ऑक्सीजन के थ्रू ही वायरस बैक्टीरिया आती है, तो कोई हमारे ऑर्गन को खराब ना कर पाए, इसीलिए लिम्फ में अपने क्या प्रेजेंट होते हैं, और इस ब्लड में भी फिलहाल प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, लिम्फ और ब्लड में दोनों जगह क्या प्रेजेंट होती है, WBC, जो कि कोई भी अगर गंदगी आई उसे मार गिराएगा, यानी अपना डिफेंस सिस्टम, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हमारे बॉडी में बीपी जो होती है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे होती है, ठीक है, ये बात आपको समझ रखनी है। चलो तो ये गाइस हमने समझ लिया कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ठीक है, अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन और अपना जो डबल सर्कुलेशन था वो क्या होता है, ठीक है, चलो तो गाइस सिंगल सर्कुलेशन पहले समझते हैं। सिंगल सर्कुलेशन गाइस नॉर्मली अपना फिशेस में होता है, फिशेस, ठीक है, फिश होती है उनमें, ठीक है, ऐसा होता है फिशेस में, ठीक है, ये बात आपको समझ रखनी है। अब सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें सिंगल सर्कल हो, ठीक है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ठीक है, ऐसा आपको समझ के रखना है। और जो ब्लड होता है, ब्लड
एक बार ही हर्ट से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ एक बार ही जाएगा, दोबारा वहां से नहीं आएगा। मतलब एक बार अगर आप जो ब्लड, मतलब कहने का मतलब सिंगल सर्कुलेशन में ये है कि हर्ट ही पंप करता है, तो फिक्स है, कोई भी ब्लड हार्ट से ही जाएगा और हार्ट में ही आएगा, ये बात तो फिक्स होती है सर्कुलेशन में। हमारे बॉडी में भी हार्ट का काम यही होता है कि ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी, अपने बॉडी में क्या होता है, हार्ट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड अपने बॉडी में आते हैं और दोनों को ये अपना हार्ट ट्रांसफर करता है। तो गाइज एक बात ध्यान रखो अच्छे से कि अगर अपनी बॉडी में जो हार्ट है, एक बार उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर कर दिया, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मान लो ट्रांसफर कर भी दिया, तो ये ऑक्सीजनेटेड होगा और वापस से वो एक ही बार हार्ट के पास आएगा और फिर से ऐसे ऐसे बार बार एक ही सर्कल होगा। अभी मैं डबल वाला दिखाऊंगा ना, तो आपको सिंगल वाला अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो अभी हम यहाँ पे समझते सो है क्या, देखो मान लो सपोज दिस इज दी आवर हार्ट, ठीक है, मतलब आवर नहीं फिशेस का हार्ट, ठीक है। फिशेस में ऐसा होता है, इसके लिए हमारे अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये मान लो फिशेस का हार्ट है, तो फिशेस का हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है गाइस, दुनिया में सारे एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हार्ट क्या करेगा, फिश वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसकी बॉडी में क्या करेगा, पंप करेगा टू दी गिल्स। उनके अंदर गिल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, उनके अंदर क्या होता है, गिल्स होती है, गिल्स, ठीक है। तो गिल्स क्या करती है, आपको पता है जो पानी में फिशेस होती हैं, वो पानी में H2O जो होता है ना, उस H2O के ऑक्सीजन को गिल्स क्या करती है, जो गिल्स मतलब आपने सुना नहीं, गिल्स स्लिट, फेरेंजियल गिल्स स्लिट फिशेस में होती है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, जैसे हमारे अंदर एल्विलार से मिलता है ऑक्सीजन, हम लेते हैं ट्रैकिया के थ्रू अंदर जाता है और फिर उसे एल्विला क्या करता है, ऑक्सीजन वहां पे आता है और फिर हमारी कैपिलरीज ऑक्सीजन उस एल्विला से ले लेती हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे गिल्स करती है फिशेस के अंदर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा गिल्स में और गिल्स से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा और वापस से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा और पूरी बॉडी में हर जगह गाइस, हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन होते रहते हैं, फिशेस में भी ऐसे ही होते हैं। और जब अलग अलग फंक्शन होते हैं तो हमारे अंदर बॉडी कार्बन से बनती है और जो पुराना ऑक्सीजन जिसके पास रहा होगा, पहले भी तो एक सर्कल हो चुका होगा ना, तो वो जो पुराना साइकिल रहा होगा ना, उस साइकिल का ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना के रखते हैं पहले से ही। अब अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो हमारी बॉडी मर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा वापस से वो ब्लड फटाफट ऑक्सीजन लेके और फिर से हमारी बॉडी में आता है, ऑक्सीजन लेके और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन लेता है, देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस से हार्ट के पास आएगा। क्योंकि अभी देखो अपने आप तो हार्ट पूरे बॉडी में भागेगा नहीं, तो हार्ट ही वो काम करता है जो कि पंप करने का काम, मतलब जैसे ही फिर से वापस से बॉडी के पास अपना ये फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में गया, बॉडी में जो भी ऑक्सीजन ब्लड ने अपने ऑक्सीजन यहां से गिल्स से लिया था उस ऑक्सीजन को बॉडी को दे देगा और बॉडी ने जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड बना के रखा था उससे वहां से अपना ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और वापस से वो हार्ट के पास आ जाएगा और हार्ट फिर से उसे पंप करेगा, फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास जाएगा, फिर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, ऑक्सीजन लेके फिर बॉडी के पास जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर से उसे ऑक्सीजन देगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा और फिर से वो हार्ट के पास आएगा। तो गाइस इसीलिए फिशेस के हार्ट को वेनस हार्ट यानी जहरीला हार्ट या दिल भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि आप एक चीज ऑब्जर्व किए रहोगे कि जो हार्ट की फिश का जो हार्ट है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ ही नहीं रहा है, मतलब उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है, समझा कि नहीं। इसीलिए हम इसे वेनस हार्ट भी कहते हैं और अपने बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है। तो गाइस जो मैंने यहाँ पे साइकिल बनाया है ये आपको बेटर समझा होगा और इसके आप इसी ही आप एग्जाम में बनाना अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट आपकी बुक में ऐसा कुछ दे के रखा है तो आप चाहो तो इसे बनाओ उसे बनाओ, मुझे क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने बना के रखी है, आप चाहो तो जिसे भी समझो, आर्टरीज वेन जो भी आपको समझना है समझ लो, ठीक है। मैंने इसे समझा दिया है और ऐसा ही आपके हार्ट में होता है, ठीक है। चलो अभी हम देख लेते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, डबल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल वाले में सर्कुलेशन में क्या होता है कि अपने जो ब्लड है वो सर्कुलेट होकर अपनी बॉडी में दो बार आता है, कितने बार आता है, दो बार, मतलब दो बार एक ही साइकिल में, एक साइकिल में दो बार आएगा। एक साइकिल मतलब जानते हो क्या होता है, हार्ट ने एक बार ऑक्सीजन डीऑक्सीजन छोड़ा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं गया जहां से उसे ऑक्सीजन मिलता है वहां से ऑक्सीजन लेगा। भाई गाड़ी ये चल रही है, स्टेशन से स्टार्ट हुई गाड़ी और जहां से ऑक्सीजन सवारी मिली वहां से सवारी लेके और पूरे बॉडी में उसे घुमा के सवारी जिसको जहां जाना था यानी ऑक्सीजन को छोड़ दिया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया बॉडी से और ब्लड वापस से लेके अपने कहां पे आता है, अपने हार्ट के पास आता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, अपने वापस से ये हार्ट के पास आएगा, ठीक है, और हार्ट फिर से उसको क्या करेगा, पंप करेगा, फिर से ऐसा बार बार होगा। तो ये तो होगा सिंगल सर्कुलेशन, बट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि अपनी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है, मतलब जो यहां से इसने ऑक्सीजन जब ये यहां पे आया ना, जहां से उसने ऑक्सीजन लिया था
जहां फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना था, तो ऑक्सीजन लेके वो पंप हार्ट के पास फिर से जाएगा और हार्ट उसे वापस से फिर भेजेगा। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसने उसे पंप किया और पंप किया, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास गया और ऑक्सीजनेटेड बन गया, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सीधा चला जाता है, वो हार्ट के पास नहीं आता, क्योंकि फिशेस के हार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिना हार्ट के धड़कते रहता है, बिना ऑक्सीजन के उसका हार्ट धड़कते रहता है। बट हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर जितने भी बॉडी में ऑर्गन होते हैं सभी ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमारा हार्ट भी एक ऑर्गन है और हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए। भले हमारा हार्ट ऑक्सीजन लेने के लिए किसी भी ब्लड को भेजता है, बट उसको भी चलने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, समझा? इसीलिए जब यहाँ पे गिल्स के पास आया ना अपना या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ फिर ऑक्सीजनेटेड बन गया, तो ये सिर्फ बॉडी के पास नहीं जाएगा, ये सीधा चुपचाप पहले हार्ट के पास आएगा। और हार्ट में इसीलिए हमारे पास दो चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर जो रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के लिए, और दूसरा चैम्बर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के पास आया है ना, तो ये थोड़ा सा अपने पास इस्तेमाल कर लेगा जिससे कि वो भी जिंदा रहे, और बाकी का पूरा ब्लड बॉडी में फिर से भगा देता है जब फिर से पंप करेगा। तो यही चीज यहाँ पे होती है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, भी ध्यान देना अच्छे से। तो देखो पहले अपने हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसने उसे पंप कर दिया, जब उसने पंप किया तो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ट्रांसफर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कहाँ पे, यानी कि अपने वही एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई के पास, वही कैपिलरी के पास जाएगा, ठीक है, और वहां से उसे मिलेगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और जब जैसे ही उस ब्लड को, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन मिली, तो ये तुरंत क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। और जैसे ही गाइस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा तो वापस ये किसके पास जाएगा, हार्ट के पास, बिकॉज अवर हार्ट्स आल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि उसको भी चलने के लिए ऑर्गन ही है ना, तो उसे भी चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास जाएगा और हार्ट के दूसरे चैंबर में जाएगा। ये हार्ट के चैंबर क्या होते हैं, सब में चार चैंबर होते हैं, मैं सब सिखाऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो, जस्ट अभी के लिए इसको समझ के रखो, इतना अच्छे से आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा जैसे ही यहां पे हार्ट है और हार्ट के पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आएगा, अब जो हार्ट का दूसरा चैंबर होगा ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वापस से पंप करेगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, पूरी बॉडी में, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हार्ट के पास क्यों गया था, हार्ट के पास इसलिए गया था क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है ना, बट इन द केस ऑफ फिशेस उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड सीधा गिल्स और सीधे बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि उसको खुद को जरूरत नहीं है इसके लिए, समझ में आया क्या, उसको खुद की जरूरत नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, चलो। बट यहां के केस में क्या है, यहां के केस में ये है कि अपना हार्ट भी ऑर्गन है और उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए जब हार्ट ने एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास, यानी एल्वियोलाई के पास गया, और वहां से उसने जो हमने सांस लिया उस ऑक्सीजन को उसने गेन कर लिया, और वो ऑक्सीजन से जैसे ही वो ले लेगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और लेने के बाद पल्मोनरी वेन की हेल्प से ये फिर से कहां पे आएगा, हार्ट के पास आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं, ये वापस से कहां पे आएगा, हार्ट के पास ये वापस से आ जाएगा, ठीक है, और हार्ट फिर इसे जाके पंप करेगा, थोड़ा सा वो भी ऑक्सीजन ले लेगा और फिर उसे वो पंप करेगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट के पास गया था उसे हार्ट पूरा पंप कर देगा बॉडी में। अब हमारी बॉडी में पूरा का पूरा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में नसों के थ्रू या नर्व्स के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, और वहां से हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। और जब अपना ब्लड, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेने जाता है और ऑक्सीजन देने जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ले लेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। तो वापस से डीऑक्सीजनेटेड बनने के बाद कहां जाएगा, हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट उससे वापस से पंप कर सके, क्योंकि एक ही खून बार बार क्या होता है, इधर से उधर घूमता है, और उसका काम यही होता है कि वो पूरे बॉडी में भागते रहेगा 2400 घंटे और ऑक्सीजन लेते रहेगा, ऑक्सीजन लेगा देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा देगा, यही वो करता है, ठीक है। तो बॉडी से, बॉडी को ऑक्सीजन देता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जब वो हार्ट के पास से रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास जाता है तो वहां से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिससे कि हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ सकें, और ऑक्सीजन वापस से ले लेता है और फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को घुमा देता है, समझा? तो ये बार बार ऐसा प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। तो वापस से हार्ट के पास अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और फिर से पंप होगा, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, फिर यहां से ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जो हार्ट के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, इसने बॉडी से जो गेन किया था वो कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी ऑर्गन में दे देगा और वहां से ऑक्सीजन ले लेगा, फिर से हार्ट के पास जाएगा, हार्ट उसे वापस से पंप करेगा, पंप करने के बाद वापस से अपना ब्लड बॉडी में जाएगा, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, फिर वो हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट उसे पंप करेगा, फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास आएगा, वहां से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट उसे पंप करेगा बॉडी के लिए।
तो ऐसा बार बार चलते रहता है। तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ, हार्ट के पास दो दो बार ब्लड आया, मतलब एक बार यहाँ से गया और वापस से देखो यहाँ पे आ गया, वापस से ये हार्ट ने इसे पंप किया और वापस से देखो यहाँ पे हार्ट आया, इसीलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, मतलब अपना हार्ट दो बार पंप करता है, ठीक है, मतलब दो दो बार ब्लड अपना हार्ट के पास आता है, तो इसे हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको सिखानी है मुझे यहाँ पे, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको सिखानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है और वो आपको बता दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो ध्यान देना मेरी सारी बातों को, ओके, चलो ध्यान समझना, हम लोग यहां पे कुछ चीजें कहते हैं, जैसे कि देखो ये इतना वाला पार्ट है जो कि जिसमें कि अपना जो हार्ट है, जो कि जिसमें जो अपना हार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटर को पंप करता है, मतलब जो ये वाला पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट मतलब कि जो अपना हार्ट है, जो अपना हार्ट है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से अपना जो हार्ट है, जो अभी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसने ऑक्सीजन गेन किया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया और वापस से वो ऑक्सीजनेटेड बन गया और फिर वो हार्ट के पास वापस गया। तो इस वाले पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बाकी वाला जो पार्ट है गाइस, ये वाला जो पार्ट है, यहां से ये वाला पार्ट, जबकि अपना हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, कौन सा ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो हम इसे कहते हैं सिस्टमैटिक, क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक इसे, और सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हम इसे कहते हैं, समझ गया अच्छे से। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टू द बॉडी, ठीक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि अपना हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जिससे कि वो ऑक्सीजनेटेड बन जाए, समझा। तो ये दो यहाँ पे आपके दो टाइप होते हैं, इसी को आपके बुक्स के हिसाब से दिखाऊंगा, देखो जो मैंने बनाया है थोड़ा सा अच्छा आपको जम रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको ये दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। देखो ये अपना हार्ट होता है, ठीक है, मैं आपको सिखा भी देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, देखो गाइस ये है अपना हार्ट, ठीक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको पहले सिखाता हूँ, ये आपका हार्ट है, ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन ले लेगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर नाक के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है, फिर ये पल्मोनरी वेन्स में अपना हार्ट जाएगा, और मतलब पल्मोनरी आर्टरी या वेन बन जाएगी जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, है एक ही पाइप, लेकिन जब तक उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो वो आर्टरी कहलाएगी, और जैसे यहां से उसे ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, और ये बन गए रेड ब्लड सेल पूरे बन जाते हैं, तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, वेन्स बन जाता है, ठीक है, अब ये वापस से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ये क्या होता है लेफ्ट एट्रियम सब बताऊंगा आगे चल के, आपको सब समझेगा, डोंट वरी, मैं आपको सब समझाऊंगा, अभी के लिए आपको डबल सर्कुलेशन ये समझा है ना, ये आपको समझा है ना, दैट्स इट, यही बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर डॉर्सल आयोटा क्या होता है सब बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा और बॉडी से फिर से यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा क्या होता है सब बताऊंगा, इन्फीरियर सुपीरियर क्या होता है, और ये वापस यहाँ पे राइट एट्रियम, फिर से यहाँ से आर्टरी, फिर ऐसा बार बार ऐसा चलते रहता है, ठीक है, ये ऐसा बार बार चलते रहता है, दैट्स इट, मतलब क्या चल रहा है जान रहे हो, यहां से ऐसे ये बार बार चलते रहेगा, यही चीज आपको याद रखनी है, ऐसा ही रियल में मैं जब हार्ट पढ़ाऊंगा ना तो आपको यही पूरा समझाऊंगा, यही चीज आपको समझाऊंगा, वो और अच्छे से समझेगा जब मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, अभी आपको नहीं समझाऊंगा, इट्स फाइन, जस्ट आप अभी के लिए इसको याद रखो, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही बेस्ट वीडियो थी आई थिंक, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और आपके सजेशन भी दे सकते हो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, सभी फ्रेंड्स में आप शेयर कर दिया करो, और एक दो लाइक जरूर दे दिया करो यार, आपके हाथ में है सब कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लो और नोट्स वगैरह ले लो मेरे से, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।